राजस्थान के अजमेर जिले में एक बिजनेसमैन के नौकर ने दिवाली से पहले घर में बड़ा धमाका कर दिया। बिजनेसमैन व उसकी मां को नशीला खाना खिलाकर व लाखों के गहने और नकदी बटोरकर साथियों सहित फरार हो गया। बिजनेसमैन की बेटी घर आई तो उसे भी दबोचने की कोशिश की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ मामले की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कचहरी रोड निवासी एक्सप्लोसिव बिजनेसमैन अनिल जिंदल ने एक महीने पहले कृष्णा नाम के नौकर को काम पर रखा था। बुधवार रात को अनिल मां गुणवंती के साथ उसके हाथ का दूध दलिया खाकर किसी काम से शास्त्री नगर स्थित होटल चला गया, जिसे उसकी बेटी खुशी छोड़ने गई थी। पीछे से मां गुणवंती अकेले रह गई। दूध दलिए में नशीला पदार्थ होने की वजह से वह कुछ देर में बेहोश हो गई। पीछे से कृष्णा ने अपने दो साथियों को घर में बुलाकर जिंदल के कमरे की अलमारियों को तोड़ते हुए उसमें रखे सामानों को बटोरना शुरू कर दिया। इसी बीच अनिल की बेटी खुशी घर वापस लौटी तो किसी ने गेट नहीं खोला तो उसे गड़बड़ी लगी। जिंदल का परिवार घर के फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, नौकर का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था। खुशी मुख्य दरवाजे से होते हुए जब ऊपर पहुंची तो घंटी बजाई, गेट नहीं खुला तो गेट बंद कर नीचे आ गई। तीनों बदमाश भागते दिखे। इस दौरान खुशी घबरा गई और पड़ोसी के घर भागी। इस दौरान नौकर ने खुशी का पीछा भी किया। लोगों को देख नौकर अपने साथियों के साथ फरार हो गया। परिवार ने पुलिस को बताया कि कमरे में 2,35,000 रुपए नकदी थी और 5,00,000 से ज्यादा की ज्वेलरी थी। वहीं पुलिस अब तक 50 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाल चुकी है। इसमें आखिरी बार तीनों आरोपियों को टेम्पो में सवार होकर रीजनल कॉलेज की नई चौपाटी के पास देखा गया था। पुलिस आसपास के इलाकों में बदमाशों की तलाशी में जुटी हुई है।